The internet is full of bro science fake knowledge, half-information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Friends, aspirin, ecospirin... या डिस्प्रिन इन तीनों के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा ये सरदर्द की डिस्प्रिन वाली गोली की बात नहीं कर रहे हैं हम इकोस्प्रिन एस्पिरिन डिस्परिन ये टेक्निकली ये एक तरीके से ब्लड थिनर बोला जाता है सिंपल भाषा में ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है एंटी प्लेटलेट थेरेपी जो एक या तो इकोस्पिरिन एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल नाम की एक दवाई होती है हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत कॉमनली रिकमेंड की जाती है बहुत कॉमनली दी जाती है और एस्पेरेंट थेरेपी एक बहुत हेल्पफुल थेरेपी है ऐसे लोगों में जिनको या तो हार्ट की ऑलरेडी बीमारी हो कोरोनरी डिजीज़ यानी खून के हार्ट के खून की नसों में दिल के खून की नसों में ब्लॉकेजेस पाई गई हो और या फिर कोई पहले दिमाग में कोई स्ट्रोक आया हुआ हो दिमाग में क्लॉट आया हुआ हो तो ऐसे लोगों में बहुत ही कॉमन है कि उनको एक ना एक एंटी प्लेटलेट दवा चलती है लंबे समय तक या तो एस्पिरिन एकोस्पिरन या क्लोपिडोग्रेल। इसमें अगर एस्पिरिन बोले तो सबसे कॉमनली यूज की जाती है 75 से 150 मिलीग्राम के डोज में इंडिया के अंदर डेली डोज 81 वन का रिकमेंडेड होता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी जिनके स्टंट ऑलरेडी लग चुका है एनजो प्लास्टिक हो चुकी है कहीं भी तो 81 वन का इसका रिकमेंडेड डोज माना जाता है ज़्यादातर लोगों को कई बार दो एंटीप्लेटलेट्स दिए जाते हैं खासकर बहुत हाई रिस्क वाले लोगों में या जिनको ऑलरेडी स्टंट लगा गया है उन लोगों के लिए और अच्छी बात यह है एस्पिरिन देखा गया है रिसर्च में एक्चुअली हार्ट अटैक और इस्चिमिक स्ट्रोक दोनों के रिस्क को बहुत अच्छी तरह से कम करता है और लेकिन उसके साथ में एक खतरा भी है एस्पिरिन एक खून पतला करने की यानी एंटीप्लेटलेट दवाई है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म लंबे समय में एस्पिरिन लेने से आपका स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है ये सब के साथ नहीं होता बहुत ही कम कुछ ही लोगों के साथ होता है मगर वो रिस्क है सो so, डेली एस्पिरिन आप हार्ट की बीमारी के प्रिवेंशन के लिए नहीं लेते अनलटिल आपको कोई हाई रिस्क केस है लो रिस्क केसेस में नहीं लिया जाता हाई रिस्क केसेस हैं जिनको डायबिटीज़ है मोटापा है हार्ट की बीमारी का पता है बीपी हाई है ये ऐसे लोग जिनकी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारी का फैम बहुत ज़्यादा हैवी फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों में एस्पिरिन थेरेपी रिकमेंड की जाती है एस्पिरिन थेरेपी ब्लड क्लॉट्स भी प्रिवेंट करती है आपकी नसों में तो स्ट्रोक से भी बचाती है हार्ट अटैक से भी बचाती है सो so, एस्पिरिन अगर आपको दिया जा रहा है तो आपको अपने रिस्क फैक्टर आपके अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करना है एस्पिरिन आपके कई बार पैरों में भी अगर ब्लड क्लॉट होते हैं तब भी दिया जाता है वो आपके पैरों में भी ब्लड फ्लो बढ़ा सकता है और एस्पिरिन uh, जो होता है ये खून की नसों के जो ब्लॉकेज होता है इसे खोलता नहीं है याद रखिएगा सो so, ये बहुत गलत धारणा है कि ये खून की नसें जो ब्लॉक हो जाती है उसे खोल के एकदम सफाई कर देगा सफाया कर देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो so, एस्पिरिन जो होती है ये आगे ब्लॉकेज ना आए या उस ब्लॉकेज जहाँ भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेज हुआ है वो ब्लॉकेज एकदम से भर के बंद ना हो जाए वहां पर क्लॉट ना बन जाए जिससे वो एकदम अटैक आ जाता है वो ना हो जाए वो प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है क्योंकि तो कहीं भी अगर ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो एंडोथीलियल खून की नसों में जो अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ इंजरी होती है एंडोथीलियल लाइनिंग में इंजरी होती है चाहे हाई ब्लड प्रेशर से हाई शुगर से हाई स्ट्रेस से हाँ कोई बीमारी से एंडोथीलियल इंजरी जो होती है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और बाकी सारे उस स्टिकी कोलेस्ट्रॉल होता है तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो चिपकती जाती हैं प्लेटलेट्स भी चिपकते हैं और एक प्लाक बनाते हैं वो प्लाक धीरे धीरे फिक्स हो जाता है और वो और बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है फिर वहाँ पर एक पिम्पल जैसा फूटता है एक पिम्पल जैसा टूमड़ा निकलता है वो फूटता है और वो जैसे ही फूटता है अंदर से ब्लीडिंग होती है और वहाँ पक से क्लॉट बन जाता है जो प्लाक ने बीस तीस चालीस पचास परसेंट तक बंद करी थी नस को वो एकदम से नस में क्लॉट बन के वो पूरी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है तो ये जो एकदम से नस बंद होकर पूरी बंद हो जाती है क्लॉट बनता है उस क्लॉट को प्रिवेंट करता है ये एस्पिरिन एक जो मेन क्लॉटिंग ना हो जाए इस क्लॉट को प्रिवेंट करता है और कच्चा अगर कोई क्लॉट होता है वहाँ पर इस प्रकार के अगर कोई क्लॉट होते हैं तो वो भी हेल्प करता है कि वो क्लॉट जो है आराम से निकल जाए लेकिन एक प्लाक बने हुए प्लाक को ये कुछ नहीं करेगा सो एस्पिरिन थेरेपी याद रखिए लो डोज का मतलब होता है 75 मिलीग्राम से लेके 81 मिलीग्राम तक हाई डोज का मतलब होता है 150 मिलीग्राम से लेके कर एक मिलीग्राम तक दिया जाता है हार्ट डिजीज स्ट्रोक के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों को इस एस्परिन डिस्प्रिन की गोली से डायरिया हो सकता है इचिंग हो सकती है नौशिया उल्टी जैसा लग सकता है किसी को रिएक्शन में शरीर पर रैश आ सकता है और किसी को पेट में दर्द हो सकता है पेट में दर्द होता है तो पेट में ब्लीडिंग होने के रिस्क होते हैं काली लैट्रिन का रिस्क होता है और ऐसे में आप अपने ज़रूर गैस के लिए गैस की दवाएँ या पेट के डॉक्टर को दिखाएँ कि पेट पेट में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही खाली काली लैट्रिन आती है तो खतरे वाली बात है सो वो ब्लड विथ स्टूल्स हो सकता है सो अब सवाल पैदा होता है कि आ, एस्पिरिन जो है ये कैसे लेनी है नॉर्मली एस्पिरिन खाना खाने के बाद पानी के साथ ली जाती है और खाने खाने के साथ के बाद ली जाती है तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट जो है कम हो जाते हैं अगर आप किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करते हैं कोई दांत निकलवाते हैं दांत का प्रोसीजर करते हैं क्योंकि एस्पिरिन जैसी दवाई थोड़ी लंबी चलती है साल दो साल चार साल पाँच साल कई बार लंबे समय तक चला सकते हैं तो उसको उस दौरान अगर आपको कोई दूसरा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है कोई दांत में मान लीजिए अगर मान दांत का कोई ऑपरेशन होना डेंटल वर्क होना है तो फिर मे भी कुछ दिनों के लिए तीन से पांच दिन के लिए ये दवा बंद भी की जा सकती है सॉरी सो <laughs> so, उस चीज के लिए आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि क्या वो सेफ है बंद करना आपके अपने हार्ट की कंडीशन को देखते हुए राइट अगर कभी स्टंट पे प्लेस आपके स्टंट लगा हुआ है जो प्लास्टिक हुई है तो उसमें पहले तीन या छः महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं उस दौरान बिल्कुल भी बंद नहीं करा जाता और अपने डॉक्टर से बात करके ही बंद करें अगर बंद करें अगर इस प्रकार का कोई ऑपरेशन या दूसरा कोई डेंटल प्रोसीजर आप कराने वाले हैं अगर आप एस्पिरिन का कोई डोज भूल गए तो फिर आप वो डायरेक्ट जब भी याद आए मान लीजिए रात का डोज है आप सुबह याद आए तो सुबह ले लो कोई बात नहीं तो जब भी याद आए नेक्स्ट डोज ले लो और उसके बाद अगला डोज जब लेना है है कि रात का डोज अपना रेगुलर चालू करें ज़्यादातर ये रात को लिया जाता है खाना खाने के बाद ओके सो तो या अगर आपको कभी भी कहीं से भी कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कोई कटवट लग गया है तो अपने डॉक्टर से बात करें एस्पिरिन एक ब्लड थिनर बोला जाता है एंटीप्लेटलिथ थेरेपी है लेकिन ये क्लॉट्स को आपके जो ब्लॉकेज़ को नहीं खोलता आर्टरीज़ बंद को नहीं खोलता ये ज़रूर याद रखिएगा सो इट इज़ गुड फॉर प्रिवेंशन विथ रिस्क सो इसलिए अपने डॉक्टर से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें आपको ज़रूरत है नहीं है और आपके रेगुलर हार्ट के साल दो साल में चेकअप होते रहें कि भाई आपको अब रिस्क कितना है और आगे इसकी दवा का डोज कम करना है या नहीं करना है so, ये सारी बातचीत ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से करें थैंक यू सो मच अगर आपको इस वीडियो को द्वारा एस्प्रिन इकोस्प्रिन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मदद मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मदद के लिए थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी